राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। टीकमगढ़ जिले के नगर खरगापुर में मिशन नगरोदय कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक राहुल सिंह लोधी पहुंचे। विधायक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने 30 करोड़ से अधिक कार्यों का शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद विधायक ने कहा कि मैं लगातार ही क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, जिससे गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंच रहा है। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को मूंग वितरित की गई। वही कार्यक्रम के दौरान विधायक ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को राशि के प्रमाण पत्र दिए गए। अनुविभागीय अधिकारी सौरभ मिश्रा ने कहा कि मेरी कोशिश रहेगी कि प्रत्येक गरीब लोगों को योजना का लाभ मिल सके। वहीं तहसीलदार डॉक्टर अनिल गुप्ता ने कहा कि नगर खरगापुर में लगातार ही विकास कार्य किए जाएंगे और विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। कार्यक्रम में कक्षा 12वीं के टॉपर छात्र छात्राओं को विधायक ने प्रशस्ति पत्र दिए और पत्रकारों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान अनुविभागीय अधिकारी सौरभ मिश्रा, तहसीलदार डॉक्टर अनिल गुप्ता और काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उसके पहले कुछ ऐसा काम हो जाए दिखने लग जाए, तो हम लोगों ने सोचा क्या दिखने लग जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी ना रोड बन सकती ना कुछ हो सकता, बहुत समय लगता है हर काम में। तो हम लोगों ने सोचा ये चौराहा जो है, चौराहा में बहुत समय से कंपटीशन चलता था कि किसकी फोटो लगेगी यहाँ पर। जोया, दीक्षा, पिजा, अल्पिजा, ये सभी आ जाएं, एक साथ मंच पे आ जाएं। तृतीय किस्त प्रदान की जा रही है और ये जो है जी मंच के माध्यम से उनको सम्मानित कर रहे हैं। अच्छा है, अभी बहुत सारी प्रतिभाओं को कवि सम्मेलन और स्वच्छता अभियान के तहत सम्मान, बच्चों के नंगे हाथों को चांद सितारे छूने को और चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। मैं विधायक जी को इसके मिशन नगरोदय का कार्यक्रम किया गया है। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लाइव के माध्यम से योजनाओं को बताया गया है, इस पे क्या कहेंगे आप? कार्यक्रम में खरगापुर आए थे, आज हमारे खरगापुर में नगरोदय का कार्यक्रम था। पूरे विधानसभा में जितने नगर पंचायत कार्यक्रम हुआ, खरगापुर में हमने लगभग 30-35 करोड़ के कामों का भूमि पूजन किया है और एक जो योजना बड़ी योजना है 240 करोड़ की पूरे खरगापुर में नल जल योजना जो आई है उसका भूमि पूजन किया है। हमारे पूरे खरगापुर में हर घर में टोटी लग के उसमें पानी आएगा और प्रधानमंत्री आवास में भी कम से कम 1,500 आवास स्वीकृत हो गए हैं, उनको दूसरी किस्त जारी हुई है। और हमारा ये लक्ष्य कि ज़्यादातर गरीब लोगों को आवास मिल जाए और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ और हमने 400-500 नाम और निकाले हैं, उनको भी अब अगले उसमें प्रधानमंत्री आवास दिलाने का काम करेंगे। बाकी खरगापुर में नए बस स्टैंड का काम, उसका टेंडर लगने वाला है, मुझे लग जाएगा। और जो खरगापुर में हमने स्वागत द्वार, जितने भी खरगापुर में प्रवेश करने के रास्ते हैं, 3-4 रास्ते हैं, उन हर जगह स्वागत द्वार का और अच्छे बड़े प्रतीक्षालय हर चौराहों पे, और खरगापुर को सुंदर कैसे बनाया जा सकता है उस पर काम कर रहे हैं और जितने भी विकास के काम हो सकते हैं सब कर रहे हैं। फुब्बारा सेल्फी पॉइंट कवि सम्मेलन, इसकी काफ़ी सराहना हो रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? वो तो सब आप सबका आशीर्वाद है, इसलिए हमारा कवि सम्मेलन खरगापुर विधानसभा कवि सम्मेलन तो मेरे ख्याल से पूरे ज़िले में सबसे अच्छा कवि सम्मेलन हुआ, तो सबका सहयोग रहा। खरगापुर नगरवासी, खरगापुर के आसपास खाली ग्रामवासी रात को 2:30 बजे तक इस कवि सम्मेलन में बैठे रहे। कवियों ने बहुत उत्साह, कवियों का उत्साहवर्धन किया, पूरे देश के कवि आए थे, बड़े बड़े कवि आए थे, बहुत अच्छा कवि विशाल कवि सम्मेलन हुआ। मेरे ख्याल से खरगापुर नगर में इतना विशाल आयोजन पहली बार हुआ था, तो उसमें सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बहुत अच्छा हुआ। उसी दिन एक अच्छा सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन और फब्बारा चौराहे का निर्माण हुआ था, वो भी हमने रिकॉर्ड टाइम में बनाया था। हम सोच रहे थे कि उस दिन कवि सम्मेलन के दिन कोई अच्छा काम हो जाए, तो रिकॉर्ड समय में हमने 7 दिन के अंदर फब्बारा चौराहा बनाया और बहुत अच्छा है चौराहा।
और जब भी खरगापुर से कोई निकलेगा तो उस चौराहे से होकर ही गुजरना पड़ेगा उसको।